हेलो दोस्तों, आज की हमारी नई रेसिपी है जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए हमने एक गिलास चावल लिया है, ये नॉर्मल चावल है। इसे 15 मिनट पहले हमने भिगोकर ले लिया है। अब हम कुकर में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च और 2 लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी। इसको डालकर हम इसको चला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे चावल। अब इसको हम चलाएंगे। हम इसको जितने ही चलाएंगे उतने ही अच्छा यह चावल जीरा राइस बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। अब मेरा चावल अच्छे से फरफर हो गया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। जिस गिलास से हमने 1 गिलास चावल लिया था उसी गिलास से हमने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से हम चला लेंगे और फिर इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और हम इसमें अब ढक्कन लगा लेंगे और इसे हम 1 सीटी आने तक पकाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, हमारी 1 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम ठंड करके और अब इसे हम खोलेंगे। अब हमारी जीरा राइस बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर दिखाएंगे कितना सारा खिला खिला दोस्तों बना है। बहुत टेस्टी भी बना है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों।